हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पार्ट बी का पोर्शन है और पार्ट बी में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग करना है, दैट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग अभी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वो हमने तीन डिसीजंस किए हैं। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने कौन से तीन डिसीजंस किए हैं? वो फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, ये हमारे तीनों कौन से डिसीजंस हैं? ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं। ओके, आप बच्चे जो ज्यादातर गलती कर देते हो, यहाँ पे जो वर्ड है वो फाइनेंसिंग रहेगा, यहाँ वर्ड फाइनेंशियल नहीं हो जाएगा। ये तीन फाइनेंशियल डिसीजंस हैं और उन इनमें से जो हम तीन डिसीजंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिसीजन हमारा बनता है वो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अब देखो फाइनेंसिंग का क्या मीनिंग होता है। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा ये जनरली सिर्फ फाइनेंसिंग डिसीजंस और उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग पे रहेगा। फाइनेंसिंग का हमारा मीनिंग होता है फ्रॉम वेयर टू रेज द फाइनेंस, व्हाट आर द सोर्सेस दैट आर द मोस्ट सुटेबल सोर्सेस फॉर रेजिंग द फाइनेंस। ऑल दोज डिसीजंस, ऑल दोज फैक्टर्स विल कम अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है कि जो फंड्स हमने फाइनेंसिंग से रेज किए, जो पैसा हमने फाइनेंसिंग से उठाया, जो सोर्सेज से पैसा लिया, उसको हमें यूज कहाँ पे करना है, उसको कहाँ कहाँ लगाना है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमें उन्हें इन्वेस्ट करना होगा। और जब कोई प्रोजेक्ट्स है तो उन प्रोजेक्ट्स में हमें फिक्स कैपिटल के लिए भी पैसा लगाना होगा और वर्किंग कैपिटल के लिए भी लगाना होगा, तो वो कहाँ पे आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। और थर्ड हमारा होता है डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन मीन्स जब हम ये सारे काम कर रहे हैं, कहीं से पैसा ले रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे, और जो वो हमें प्रॉफिट्स होंगे उसमें से हम उसका कुछ हिस्सा अपनी कंपनी में रिटेन कर लेते हैं और उसका कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हाउ मच मनी विल बी केप्ट एज अ रिटेन्ड अर्निंग एंड हाउ मच विल बी गिवन एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, दैट विल बी टेकन इन द डिविडेंड डिसीजंस। तीन चीजें हुई, फ्रॉम वेयर टू रेज द फाइनेंस, हाउ टू इन्वेस्ट और हाउ टू यूटिलाइज द फाइनेंस, एंड हाउ मच मनी शुड बी गिवन एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। अगर हम इन तीनों को ही सही कर ले, तीनों का ही मीनिंग हमें पता हो, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग आ जाता है। मीन्स ये तो हमारे हो गए फाइनेंशियल डिसीजंस। इफ दीज फाइनेंशियल डिसीजंस आर टेकन एफिशिएंटली देन इट मीन्स इट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, मीन्स एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। मनी मीन्स एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर हम तीनों को कलेक्ट कर लें, तीनों को कंबाइन कर दें, देन इट टेक्स द मीनिंग ऑफ, इट बिकम्स द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो अब ये तो हो जाता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस। तीन तरह के हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक फाइनेंसिंग डिसीजंस। ओके, दिस इज फाइनेंशियल डिसीजंस। तीन तरह के डिसीजंस है फाइनेंशियल, और अब हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मीनिंग है फ्रॉम वेयर टू रेज द कैपिटल। कंपनी को पैसा चाहिए, उस पैसे को कंपनी कहाँ से ले, किस फॉर्म में ले। इट शुड बी अ ओन्ड कैपिटल और इट शुड बी अ बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल का मतलब है कि उसे शेयर्स इशू कर देने चाहिए, और बोरोड कैपिटल का मतलब या उसे डिबेंचर्स से पैसा लेना चाहिए या लोन से पैसा लेना चाहिए। अब ये कंपनी को डिसाइड करना है। अब ये वाला टॉपिक करने से पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बोरोड कैपिटल इट इज अ रिस्की कैपिटल, ठीक है? क्योंकि बोरोड कैपिटल में एक फिक्स लाइबिलिटी होती है। किस चीज की फिक्स लाइबिलिटी है? कि कंपनी के प्रॉफिट्स हों या ना हों, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही होगा। एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी उनका वापस करना होगा। तो जो बोरोड कैपिटल है दैट इज अ रिस्की कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी। लेकिन जो ओन्ड कैपिटल है, अगर कंपनी शेयर्स इश्यू कर दे तो वो कंपनी की ओन्ड कैपिटल हो जाती है। ये ओन्ड कैपिटल कंपनी के लिए बहुत सेफ कैपिटल होती है। क्यों? क्योंकि इस पैसे को कभी कंपनी को वापस नहीं करना। इसे ये है, इट इज द ओनर्स कैपिटल। कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है तो कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द
बेसिक थिंग दैट इज देयर इन द ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉन रिस्की कैपिटल है और बोरोड कैपिटल उसके लिए रिस्की कैपिटल है. क्यों रिस्की है? कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, उसको तो डिविडेंड भी, उसको तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, उसको आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम उसका पैसा भी वापस लौटाना पड़ेगा. अगर वो नहीं लौटाते हैं देन एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी. ओके, तो अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. अब इसके साथ एक चीज और ध्यान से इस चीज को देख लीजिए कि ये जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं इसी के साथ हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के भी सेम पॉइंट आ जाते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, दीज फैक्टर्स विल बी सेम. ओके, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग भी यही है, डेट इज टू कैपिटल. और यहां पे भी हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस में भी हमने यही देखना है कि हम डेट से पैसा लें या ओन कैपिटल से लें, तो ये दोनों के सेम पॉइंट्स आएंगे. देखो बेटा, अब सबसे पहले कौन सा हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इज कॉस्ट. कंपनी हमेशा ये देखेगी कि उसकी कॉस्ट क्या है जहां से मैंने पैसा लेना है. अब ये कॉस्ट दो तरह की होती है, एक तो होती है कि उस पैसे को लेने के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम अपना प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, या हमारे ब्रोकर्स के जो खर्चे हैं वो सब किस में आते हैं, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, तो कंपनी पहले ये देखेगी कि किस सोर्स में मेरी फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रही है. अगर कंपनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर सकती है तो शेयर्स में चली जाए, और अगर अपनी कंपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को कम रखना चाहती है तो वो बोरोड कैपिटल से पैसा ले लेगी. सो कंपनी विल ऑलवेज प्रेफर विद द मिनिमम कॉस्ट. ओके, तो ये हो गई हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट से. अब एक दूसरी कॉस्ट भी होती है कि उसको रिटर्न कितना देना पड़ेगा जब वो पैसा लेगी. तो वो रिटर्न्स जो मैंने कहा इन टर्म्स ऑफ, सेकंड कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. अगर इंटरेस्ट रेट कम है बोरोड कैपिटल पे आजकल बहुत, तो क्या होगा, कंपनी को लगेगा कि मैं बोरोड कैपिटल से ही पैसा ले लूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, इसकी कॉस्ट कम आ रही है. तो कंपनी विल ऑलवेज प्रेफर द मिनिमम कॉस्ट फंड्स, जहां पे वो उन फंड्स को प्रेफर करेगी जहां पे वो मिनिमम रिटर्न्स दे, मिनिमम कॉस्ट आ रही है, मिनिमम फ्लोटेशन कॉस्ट है. तो कंपनी विल ऑलवेज प्रेफर द फंड्स विद द मिनिमम कॉस्ट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज रिस्क. रिस्क का मतलब कंपनी अब रिस्क बियर कर सकती है या नहीं कर सकती. अगर कंपनी इस कंडीशन में है दैट द कंपनी कैन बियर द रिस्क, फाइनेंशियली साउंड है, रिस्क ले सकती है कंपनी, तो फिर कंपनी कौन सी कैपिटल से पैसा लेगी? तो कंपनी बोरोड कैपिटल से पैसा ले सकती है. क्यों? क्योंकि जो बोरोड कैपिटल है वो एक रिस्की फंड है. आपको भी शुरू में बताया कि जो बोरोड कैपिटल है दैट इज अ रिस्की कैपिटल. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे करना है, उसका अमाउंट भी वापस करना है. तो अगर कंपनी की ये फाइनेंशियल पोजीशन है दैट कंपनी कैन बियर द रिस्क, देन गो फॉर द बोरोड फंड्स. बट इफ कंपनी कैन नॉट बियर द रिस्क, तो ज्यादा रिस्क बढ़ाने की जरूरत नहीं है अगर कंपनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है. तो कंपनी को कहाँ से पैसा रेज करना चाहिए? ओन्ड कैपिटल से, शेयर से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैश फ्लो. कैश फ्लो मतलब कंपनी का कैश इनफ्लो कितना इजिली आ रहा है. अगर कंपनी का कैश इनफ्लो बहुत स्मूथ है, इजीली पैसा अंदर आता जा रहा है कंपनी में, तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा ले सकती है. क्यों ले सकती है उस केस में बोरोड फंड से पैसा? क्योंकि बोरोड फंड में रेगुलर इंटरेस्ट देना है और कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो कंपनी वो लाइबिलिटी को इजीली मीट कर लेगी. ठीक, लेकिन अगर कंपनी की पोजीशन टाइट है, देर इज नो स्मूथ इनफ्लो ऑफ कैश, देन कंपनी शुड नॉट गो फॉर द बोरोड कैपिटल. पहले ही कंपनी की पोजीशन टाइट है और कंपनी ने अपनी लाइबिलिटीज को और बढ़ा लिया, तो कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी. ऐसे में अगर कंपनी का कैश इनफ्लो टाइट है, देर इज सम प्रॉब्लम इन द कैश इनफ्लो, इन दैट केस कंपनी विल लाइक टू प्रेफर ओन्ड कैपिटल. क्योंकि शेयर्स में तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम दे देंगे, और अगर नहीं होगा तो हम डिविडेंड नहीं देंगे. ठीक, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रोल. बेटा इसमें एक चीज और याद रखो, जैसे मैंने यहाँ साइड में लिखा है, इसका रीजन देना बहुत जरूरी है कि क्यों कंपनी का अगर कैश फ्लो बहुत स्मूथ है तो कंपनी बोरोड फंड से पैसा लेना चाहिए. उसका अगर आप रीजन नहीं दोगे तो वो इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन मानी जाती है.
इसका जैसे यहाँ पे साथ में लिख दिया है, बिकॉज इन द फर्स्ट केस कंपनी कैन इजिली मीट ऑल द लाइबिलिटीज बिकॉज द कैश इनफ्लो इज वेरी स्मूथ। ओके, तो इसी तरह से हर एक का रीजन आपको साथ में लिखना है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अब कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? कंपनी का कंट्रोल हमेशा शेयर होल्डर्स के हाथ में रहता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स गेट द वोटिंग राइट्स, दे विल टेक ऑल द डिसीजंस बाय यूजिंग देयर वोटिंग पावर्स। ठीक, और लेकिन हम जो लोन प्रोवाइडर्स हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। हमने बैंक से लोन लिया, बैंक विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट। हमने डिबेंचर्स इशू किए, वहां से पैसा लिया, डिबेंचर होल्डर्स विल नेवर गेट एनी वोटिंग राइट। तो नाउ दिस पॉइंट इज, इफ कंपनी डज नॉट वॉन्ट टू डाइल्यूट द कंट्रोल, कंपनी के 5,000 शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी ये चाहती है कि कंट्रोल बस इन्हीं के हाथ में रहे और ज्यादा हाथों में ना जाए, तो कंपनी को शेयर्स इश्यू नहीं करने चाहिए। कंपनी कहाँ से पैसा लेगी? बोरोड कैपिटल से, लोन से, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। लेकिन इफ कंपनी डोंट माइंड इन डाइल्यूटिंग द कंट्रोल, देन कंपनी कैन इश्यू द न्यू शेयर्स, बिकॉज इन न्यू शेयर्स दे हैव टू गिव द वोटिंग राइट्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स ऑल्सो। तो वोटिंग राइट्स ज्यादा लोगों के हाथों में हो जाएंगे और जो कंट्रोलिंग पावर है, ओनरशिप है, वो ज्यादा हैंड्स में चली जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। अगर कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप ओन्ड कैपिटल से पैसा उठा लीजिए, और अगर कंपनी को इस बात से फर्क पड़ता है, वो रिस्ट्रिक्ट रखना चाहती है ओनरशिप को, कुछ हाथों में रखना चाहती है, तो कहाँ से पैसा उठाया जाएगा? बोरोड कैपिटल से, बिकॉज लोन प्रोवाइडर्स दे डोंट गेट एनी वोटिंग राइट्स। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया अभी तक? हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स किए हैं। इन 4 पॉइंट्स में हमने पहले ये बताया कि किस कंडीशन में कौन सा सोर्स सुटेबल है, और उसके बाद हमने ये बताया कि ये सोर्स सुटेबल क्यों है। यस, तो 4 पॉइंट्स हो गए हैं। उसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट आता है, दैट इज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लो कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या। ये हमारी रोजमर्रा की जो कॉस्ट होती है, किसी भी कंपनी के जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, दैट इज इंक्लूडेड इन द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर ये कंपनी की ऑलरेडी हाई है, मतलब उसके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वर्कर्स की पेमेंट है, अगर ये ऑलरेडी ही अपना हायर साइड में है, तो इस वक्त पे कंपनी को अपना खर्चा और नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर उसे और पैसा चाहिए तो वो ओन्ड कैपिटल से लेगी, क्योंकि अगर उसने ऐसे में बोरोड कैपिटल से पैसा ले लिया तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी एडिड हो जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो कंपनी ओन्ड कैपिटल से पैसा लेगी और नहीं तो बोरोड से। रीजन आपको पता चल गया। अदरवाइज कंपनी अगर ऐसी स्थिति में बोरोड कैपिटल से फंड्स ले लेगी तो कंपनी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बढ़ा लेगी और आगे प्रॉब्लम में आ जाएगी। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट और द स्टॉक मार्केट। कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट एक ही चीज है, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि इसकी कंडीशन क्या है। बूम पीरियड चल रहा है या डिप्रेशन पीरियड है? अगर बूम पीरियड है, बूम पीरियड का क्या मीनिंग होता है? बूम पीरियड की कंपनीज बहुत प्रॉफिट्स कमा रही हैं, और अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी बहुत मिलता है। तो बूम पीरियड में शेयर होल्डर्स ऑलवेज लाइक टू इन्वेस्टर्स ऑलवेज लाइक टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, ठीक है? तो अगर कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो शेयर्स इजीली परचेज कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड में, डिप्रेशन पीरियड क्या है? जब कंपनी हार्डली सर्वाइव कर रही है, प्रॉफिट रेट बहुत कम गया हुआ है, अगर कंपनी डिप्रेशन पीरियड्स में शेयर इशू कर लेगी तो वो इन्वेस्टर्स कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन पीरियड में इन्वेस्टर्स नो कि कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है तो उन्हें डिविडेंड कहाँ से मिलेगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या प्रेफर करते हैं? इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो अपना पैसा डिबेंचर्स में लगाएं कंपनी में, ताकि एटलीस्ट उनकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उनको मिलता रहे। तो इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, डिप्रेशन पीरियड में कंपनी को बोरोड कैपिटल से पैसा लेना चाहिए और बूम पीरियड में कंपनी को शेयर से पैसा लेना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आईसीआर, और उससे नेक्स्ट है डीएससीआर। ये दोनों एक चीजें हैं, बस एक डिफरेंस है। आईसीआर मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और डीएससीआर मीन्स इसमें हमने जहां पे सिर्फ इंटरेस्ट देखा था, डेट्स, डीएससीआर मीन्स डेट सर्विस कवरेज रेशियो। यहाँ पे हमने सिर्फ इंटरेस्ट की कवरेज देखी थी कि आइदर द कंपनी इज एबल टू मीट द इंटरेस्ट लाइबिलिटी इजिली और नॉट, और उसमें हमने एक चीज और ऐड कर दी,
डेट सर्विस कवरेज रेशियो में, DSCR में, कि यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की एबिलिटी देखी, और यहाँ पे नेक्स्ट में हमने ये देखा इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, जितने भी हमारे फिक्स लाइबिलिटीज हैं वो सब यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट को पे करने की एबिलिटी देखी है, और यहाँ पर हमने फिक्स लाइबिलिटीज मतलब इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, उन दोनों को पे करने की एबिलिटी देखी है कंपनी की। तो इसीलिए हम कहते हैं DSCR इज वन स्टेप अहेड इन कंपैरिजन टू ICR। ICR का हमारा फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इससे हमें पता चल जाएगा अगर ये रेशियो हायर साइड में है, इसका मतलब कंपनी बहुत इजीली इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी और डेट ले सकती है। लेकिन अगर यही रेशियो लोअर साइड में जा रही है, तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉब्लम है इंटरेस्ट पे करने में, तो कंपनी को और डेट नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कंपनी की सारी फिक्स ऑब्लिगेशन को इंक्लूड कर लेना है, चाहे वो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड डिविडेंड है, चाहे हमारा इंटरेस्ट है, या हमारा कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने एज ए डेट लिया और जो हमने वापस करना है आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, और जो जो हमने ऑलरेडी एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं उनको पहले हम ऐड कर देंगे, जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, इंटरेस्ट को कर दिया, जो हमारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस उनको हमने अगर राइट ऑफ किया था उनको हमने ऐड किया, और इसको हमने उन सब अपनी लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी हमारी फिक्स ऑब्लिगेशंस थी, फिक्स लाइबिलिटीज थी, हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड है ये फिक्स ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट हमारा फिक्स ऑब्लिगेशन है, और जो हमारी रिपेमेंट की जो प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट करनी है वो हमारी फिक्स ऑब्लिगेशन है, इससे हम डिवाइड करेंगे। अगेन वही सेम चीज आ जाएगी, अगर ये रेशियो हायर साइड में है इसका मतलब कंपनी कैन इजीली पे द फिक्स ऑब्लिगेशंस, तो कंपनी जो आगे उसे फंड्स चाहिए वो डेट से ले सकती है। और अगर ये हमारी रेशियो लोअर साइड में चली गई तो इसका मतलब अब कंपनी को और डेट नहीं लेना चाहिए, इस वो कंपनी हार्डली दे आर एबल टू पे द प्रीवियस डेट्स प्रीवियस ऑब्लिगेशंस, तो अब कंपनी को अपनी ये ऑब्लिगेशंस और नहीं बढ़ानी चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस 8th पॉइंट इज वन स्टेप अहेड इन कंपैरिजन टू द 7th वन। 7th में सिर्फ हमने इंटरेस्ट पे करने की एबिलिटी देखी, और 8th में हमने ऑल द फिक्स ऑब्लिगेशन, आइदर इट इज द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और इट इज द इंटरेस्ट और इट इज द ऑल द प्रिंसिपल अमाउंट। और उसके बाद अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है, कि जो हमने पैसा लगाया हुआ है उसके ऊपर हम कितने परसेंटेज से अर्न कर रहे हैं। अगर ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पे से, इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं बोरोड कैपिटल पर, उससे अगर ज्यादा है तो आप डेट ले लो, क्योंकि हम कमा ज्यादा रहे हैं और इंटरेस्ट कम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 50 लाख रुपए का बोरोड कैपिटल लिया और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, तो हमने इंटरेस्ट कितना पे किया 10। अब यहाँ इस 50 लाख रुपीज को जो हमने एज ए लोन लिया हमने कहाँ पे लगा दिया, जिस कंपनी में लगाया, जिस प्रोजेक्ट में लगाया, उस प्रोजेक्ट से हमें कितना पैसा मिल रहा है, वहां से हम 15% अर्न कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ रही है 15%, हम दे कितना रहे हैं 10%, तो 5% किसके लिए बचा, कंपनी के लिए बचा। तो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इंटरेस्ट पेड, तो हम डेट इजीली ले लेंगे, कि हम कमा ज्यादा रहे हैं उनको दे कम रहे हैं, तो हमारे पास बहुत इनकम बच रही है, तो हम डेट से बोरोड कैपिटल से पैसा लेंगे। लेकिन अगर इसका ओपोजिट हो जाए, रिवर्स हो जाए, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इंटरेस्ट पेड, 50 लाख रुपीज हमने लिए 10% इंटरेस्ट पे लिए, और उसके बाद जहां हमने लगाया वहां से हमें मिल रहा है 8%, तो वो हमारा नुकसान हो गया 2% का। तो ऐसे में हमें डेट से नहीं लेना, ऐसे में हम ओन्ड कैपिटल शेयर से फंड्स को रेज करेंगे। ओके, तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10th पॉइंट, टैक्स रेट। एक सेंटेंस हमेशा याद रखने की चीज है, कंपनी ऑलवेज पे द टैक्स ऑन द डिविडेंड दैट इट गिव्स टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी जो भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है उसके ऊपर कंपनी पहले टैक्स पे करती है, जो अमाउंट बच जाता है वो फिर शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड देती है। तो अगर ये टैक्स रेट बहुत हाई है तो कंपनी को
शेयर से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक और रूल है इसके साथ, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड ऑलवेज एज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस पे कभी भी टैक्स नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो इफ द कंपनी वॉन्ट्स टू सेव द इनकम, कंपनी वॉन्ट्स टू पे लेस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो ये देखा जाएगा कि टैक्स रेट कितनी है। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी डेट से पैसा रेज कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी शेयर से भी फंड्स रेज कर सकती है, क्योंकि इसमें भी हमारी टैक्स लेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स के रेट्स ही कम है, स्लैब्स ही कम है। तो अगर टैक्स का रेट ज्यादा है और कंपनी अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम करना चाह रही है, देन कंपनी विल लाइक टू रेज द फंड्स फ्रॉम डेट, फ्रॉम द बोरोड कैपिटल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस पे कोई टैक्स पे नहीं करना होता। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। ये हमने जो अपना पॉइंट किया था कॉस्ट का, वही एक चीज है। अगर यहाँ स्पेशली लिख दिया गया है कॉस्ट ऑफ डेट, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डेट से पैसे लो, सॉरी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो डेट को अवॉइड करो, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप डेट से, बोरोड कैपिटल से फंड्स ले लो। तो यहाँ पे सिंपल इतनी है कॉस्ट ऑफ डेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वन हैज टू गिव, दैट द कंपनी हैज टू गिव टू द लोन प्रोवाइडर्स। अगर वो रेट ज्यादा है तो डेट से पैसा मत लो, अगर रेट वो कम है इंटरेस्ट रेट, तो डेट से पैसा, बोरोड कैपिटल हम ले सकते हैं। और उसी तरह से है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे हम डेट के ऊपर जो रिटर्न देते हैं उसको इंटरेस्ट कहते हैं, तो जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, अर्निंग ऑन शेयर्स कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। इसका एक बहुत सिंपल सा फंड है, वो हम क्वेश्चन भी एक सेपरेट करेंगे बाद में, वो है फाइनेंशियल लिवरेज का। फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स कि अगर डेट लेने से, इफ बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर गोज अप, तो डेट ले लो, बोरोड कैपिटल से फंड्स इंट्रोड्यूस करो कंपनी में। इफ बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेट्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर गोज अप, देन टेक द फंड्स फ्रॉम बोरोड कैपिटल। एंड बट इफ बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अर्निंग पर शेयर गोज डाउन, तो डेट से पैसा मत लो, क्योंकि कंपनी का ये एक मेन मोटिव होता है, अर्निंग पर शेयर शुड गो अप, इट शुड राइज। क्यों अर्निंग पर शेयर बढ़नी चाहिए? क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये कंपनी के ओनर्स हैं, और जितनी इनकी अर्निंग्स बढ़ेंगी उतना कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से कंपनी हर वो काम करती है जिससे अर्निंग पर शेयर बढ़े, जिससे हमारे शेयर होल्डर्स को फायदा हो। तो अगर डेट को इंट्रोड्यूस करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो डेट से पैसा लो, और अगर उसको डेट से पैसा लेने से अर्निंग पर शेयर डाउन जाएंगी तो फिर डेट से पैसा मत लो, आप शेयर कैपिटल से पैसा लो। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब कंपनी वॉन्ट्स दैट दे कैन मेक देयर ओन रूल्स, तो आप बोरोड कैपिटल से पैसा मत लो। क्यों? बिकॉज द लोन प्रोवाइडर्स समटाइम्स दे पुट मैनी कंस्ट्रेंट्स ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि मैंने आपको इतना पैसा दिया, अब आप इन रेस्ट्रिक्शंस में काम करोगे, आप इतने साल तक डिविडेंड नहीं दोगे शेयर होल्डर्स को, या इस रेट से ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे शेयर होल्डर्स को। इफ कंपनी वॉन्ट्स फ्लेक्सीबिलिटी तो कंपनी ओन कैपिटल से पैसा लेगी, लेकिन अगर कंपनी को रेस्ट्रिक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंपनी बोरोड कैपिटल से पैसा ले सकती है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमारा सिंपल एक पॉइंट आ जाता है कि सेबी ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है तो जो कंपनीज हैं वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में जाना प्रेफर नहीं करती, वो क्या करती हैं, प्राइवेट लोन्स ले लेंगी। लेकिन अगर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ईजी हैं तो सिक्योरिटीज इश्यू कर दो, ठीक है, लेकिन अगर रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, बार बार चेंज हो रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक हैं, तो कंपनी प्राइवेट लोन्स ले लेती हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय सेबी। अगर वो इजी हैं तो सिक्योरिटीज इश्यू कर दो, अगर वो इजी नहीं है, स्ट्रिक्ट हैं, रिजिड हैं, तो फिर प्राइवेट लोन्स ले लो। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज।
ये सिंपल एक ऐसा पॉइंट है जो चीटिंग करने वाला जैसे होता है ना, जैसे एक बच्चे को खुद कुछ नहीं आता तो वो दूसरे की चीटिंग करता है, तो बस ऐसा ही एक पॉइंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसा बनाएं, कितनी हम ओन्ड कैपिटल लें, कितनी बोरोड कैपिटल लें, तो आप अपने ही फील्ड की दूसरी कंपनीज को देख लो कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, और उस हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करो। बट इट शुड नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली। उसमें कुछ उसको उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को अपनी उसमें सारे सरकमस्टांसेस के हिसाब से चेंज करो। इट शुड नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत ज्यादा डेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आपको इतने डेट की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स हैं या इजिली मिल जाएंगे, तो डेट को ज्यादा इंट्रोड्यूस मत करो बिकॉज इट इज अ रिस्की कैपिटल। तो आप दूसरे का कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, बट इट शुड नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली, उसमें अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करो। तो ये जो हमने अब कर लिया बेटा, ये सारे फंड्स मैंने सारे आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस ले लिए हैं, और इसी में जो मैंने किया यहाँ पे, हमने फाइनेंसिंग डिसीजंस किए और साथ साथ कैपिटल स्ट्रक्चर के भी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे पॉइंट तो रेपिटेशन के ही थे। तो जितने यहाँ पे पॉइंट्स हैं, अगर आपका चाहे टॉपिक आ जाए द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, या आ जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ओनली दीज पॉइंट्स आर सफिशेंट। ये पॉइंट्स करने से आपका ये पूरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें फिर एक बात मैं रिपीट कर रही हूँ, एक चीज और ध्यान रखना कि आप सबसे पहले ये लिखोगे कि क्या केस है और उसमें आप किससे फंड्स रेज करोगे, और उसके साथ आपको रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों इस केस में हमने ओन्ड कैपिटल ली या इस केस में हमने बोरोड कैपिटल ली। रीजन लिखने के बाद ही वो एक्सप्लेनेशन आपकी कंप्लीट बनती है। तो इस वीडियो में हमने फाइनेंसिंग डिसीजन सारे कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।